हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 22nd of November 2019 के। हम चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूज पे, उसको डिस्कस करते हैं। न्यूज नंबर वन, नेचुरलिस्ट और ब्रॉडकास्टर सर डेविड एटनबर्ग को मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2019। तो 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज इनको मिल रहा है। आप यहाँ इनकी पिक्चर देख सकते हैं। जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, इसको इंदिरा गांधी अवार्ड बोलते हैं, इंदिरा गांधी पीस प्राइज बोल सकते हैं, फिर इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, ये भी इसका नाम हो सकता है। तो ये जो प्राइज है, ये दिया जाता है पूरी दुनिया में जो लोग पीस के लिए काम कर रहे हैं, इन सब कैटेगरीज में काम करते हैं। इनका नाम सिलेक्ट किया था एक इंटरनेशनल ज्यूरी ने, जिसके जो चीफ थे वो थे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के प्रणब मुखर्जी इस ज्यूरी के चीफ थे। इंदिरा गांधी प्राइज है जो, इस प्राइज में क्या होता है, कैश अवार्ड होता है 2.5 मिलियन इंडियन रुपीज का, और इसके अलावा सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है हमारी कंट्री का, और इस साल इनको मिलने जा रहा है। सेकेंड न्यूज में चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। न्यूज नंबर टू, विराट कोहली, ये भी एक अवार्ड की न्यूज है। विराट कोहली को मिला है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2019। तो 2019 के लिए पेटा इंडिया का अवार्ड विराट कोहली को मिला है। सबसे पहले आपको बताना चाहिए यहाँ पर पेटा की फुल फॉर्म क्या है, पीईटीए मतलब पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, मतलब कि जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो, उनके खिलाफ कुछ भी गलत ना हो, इसमें ये लोग काम करते हैं। और बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज उनके साथ जुड़ी हैं। तो इस साल का ये अवार्ड है विराट कोहली को मिला है, इंडिया इज पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड विद पेटा। विराट कोहली एक एनिमल राइट्स प्रोटेक्शन है, ऐसा बताया पेटा के इंडिया चीफ ने, और वो काफी काम करते हैं एनिमल के राइट्स के लिए, इसलिए इस साल इनको ये अवार्ड मिलने जा रहा है। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे, उसको बात करते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे को ऑब्जर्व किया गया ऑन 20th अक्टूबर। हर साल 20 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, यहाँ पर गलत हो गया, 20 अक्टूबर यहाँ पर 20 नवंबर आना चाहिए। तो हर साल 20 नवंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। आपको यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे हम 20 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, पर नेशनल चिल्ड्रन डे यहाँ पर होता है 14 नवंबर को। आपको पता है इसके पीछे रीजन क्या है, ये हम ट्रिब्यूट देते हैं हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो जो डे है 20th नवंबर, इस दिन हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं कि जो चिल्ड्रन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चिल्ड्रन को स्कूल्स की प्रॉब्लम, जो भी चीजें हैं उनके रिलेटेड हम लोग यहाँ पर अवेयरनेस फैलाते हैं, और इसे हम इम्प्रूव करा जाते हैं चिल्ड्रन वेलफेयर पर, इससे इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट न्यूज पे हम चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। न्यूज नंबर फोर, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक न्यू फॉरेन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट बनाने का उन्होंने फैसला किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो जो एएमएस डिपार्टमेंट है, ये एम है ताकि फोकस कर सके इनिशिएटिव्स पे फॉर द वेलफेयर ऑफ एनआरआईस नॉन रेजिडेंट इंडियन। इससे क्या होगा, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे, जो लोग बाहर से आके काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी बढ़ेगी, और एक अच्छा कल्चर बनेगा। डिपार्टमेंट काफी क्लोजली काम करेगा विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिससे कि इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो भी हरियाणा स्टेट से रिलेटेड बनते हैं बाकी कंट्रीज में, उसमें भी अच्छा कल्चर बन सके, अच्छा रिलेशन बन सके। यहाँ पर हमको ये जानना बहुत जरूरी है हरियाणा की कैपिटल आपको पता, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट की कैपिटल है। गवर्नर हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, यहाँ पर उनकी एक पिक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे हम चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। ब्राजील ने हरा दिया मेक्सिको को और जीत लिया है अंडर 17 वर्ल्ड कप, जिसको हम फीफा बोलते हैं। तो अंडर 17 वर्ल्ड कप जो कि ब्राजील में हो रहा था वो जीत लिया उन्होंने, मेक्सिको को हराया फाइनल में 2-1 से। फाइनल में ब्राजील ने हराया मेक्सिको को। यहाँ पर ये चीज तो आपको फैक्ट पता लगे, इसके अलावा ब्राजील और मेक्सिको के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट, ब्राजील, इनकी करेंसी है ब्राजीलियन रियल, कैपिटल ब्रासिलिया, जहां कुछ टाइम पहले हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी गए थे ब्रिक्स के समिट के लिए। प्रेजेंट जायर बोल्सोनारो, जिनको हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया था राजपथ 26 जनवरी राजपथ परेड के लिए, और ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्तुगीज लैंग्वेज लोग यूज करते हैं, तो असल में ब्राजीलियन लैंग्वेज कोई नहीं होती है, लोग पोर्तुगीज यूज करते हैं। नेक्स्ट, मेक्सिको, मेक्सिको के प्रेजिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज, इनकी कैपिटल है मेक्सिको सिटी, और अगर लैंग्वेज की बात करें तो इनकी रिकॉग्नाइज लैंग्वेज में आती है स्पेनिश, उसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेज ये लोग यूज करते हैं अपनी कंट्री में। अगली चीज, सिक्स न्यूज, एक बहुत ही बड़े शूटर हमारी कंट्री के स्पोर्ट्स पर्सन मनु बाकर, उन्होंने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा और इंडिया को फर्स्ट गोल्ड जितवाया। कहां पर, 2019 ISSF वर्ल्ड कप में। तो मनु बाकर ने हिस्ट्री क्रिएट की, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, जो कह रही थी ISSF वर्ल्ड कप हो रहा था चाइना में, यहाँ पर इन्होंने इवेंट जीता। और इसके अलावा मनु बाकर ने जो जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी तोड़ा, उनका स्कोर था 244.7 का। अगली चीज, नेक्स्ट न्यूज को हम डिस्कस करते हैं, न्यूज नंबर सेवन।
सेंसस जिसको हिंदी में जनगणना बोलते हैं 2021 को कंडक्ट किया जाएगा 16 लैंग्वेजेस में। 16 एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है, पर इंडिया से कंट्री जहाँ इतने सारे कल्चर है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, वहां ये ठीक भी लग रहा है। तो हमारी कंट्री गवर्नमेंट डिसाइड किया कि नेक्स्ट सेंसस 2021 में नेक्स्ट जनगणना जो होगी उसमें 16 लैंग्वेजेस को यूज करेंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंदा राय ने इसके बारे में बताया मीडिया को। जो सेंसस है इसको दो फेज में कंडक्ट किया जाएगा, हाउस लिस्टिंग हाउसिंग सेंसस फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2020, तो ये अगले साल अप्रैल टू सितंबर होगा, और पॉपुलेशन एनालिसिस ड्यूरिंग फेब 2021 में। जो एक्सपेंडिचर आएगा, जो खर्चा आएगा इसमें, वो एक हिसाब से, एक कमेटी के हिसाब से आएगा ₹8,750 करोड़। इतना बड़ा नंबर हम जनगणना में खर्च करेंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसी से हमको पता लगता है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कहाँ जा रही है, वेरियस कल्चर्स वेरियस ग्रुप्स की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको इस चीज से। तो थैंक यू सर इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफी सारे करंट अफेयर्स, काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। मैं इस वीडियो को रोज बनाता हूं, कोशिश करें रेगुलरली इस वीडियो को देखने की, आपकी काफी हेल्प करेगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।